हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फ्रॉम माय एजुकेशनल हब। हाँ जी, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, फोर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे थे, रिलेटिविटी पढ़ रहे थे हम लोग, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग फोर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे थे, चतुर्भिम आकाश की। किसमें बात कर रहे थे? चतुर्भिम आकाश, फोर वेक्टर स्पेस, ठीक है। और फोर वेक्टर स्पेस में हमने ये बोला था कि जैसे जनरली पहले हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले हम लोग चीज़ों को थ्री डायमेंशन में बात करते थे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन फिर बताया गया कि देखो टाइम भी है ना, हर फ्रेम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आप एक्स वाई और जेड के साथ में टाइम को भी कंसिडर करो। तो आपके पास में चार कोऑर्डिनेट होने चाहिए किसी भी पॉइंट की या किसी भी चीज़ की पोजिशन बताने के लिए। तो जब चार कोऑर्डिनेट होंगे तो एक तो होता है इन फोर कोऑर्डिनेट्स, एक तो होता है एक्स, एक वाई होता है, एक होता है वाई, एक होता है जेड, एक होता है टाइम। ये जो टाइम है उसको केवल टी नहीं लिखा जाता, इसको आईसीटी लिखा जाता है। आईसीटी टाइम की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है, आईसी और टी, क्लियर है। तो ये चार कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, है ना। ये फोर वेक्टर स्पेस है जिसमें टाइम के कोऑर्डिनेट को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो अब चार कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो चार कोऑर्डिनेट्स के साथ में बात कर रहे हैं तो ये फोर वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है ना। मतलब चतुर्भिम आकाश, इसको हम लोग लिखने का जो तरीका बताया था मैंने, उसमें ये बताया था कि इसको x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको x3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कंप्लीट को x4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बता के फिर मैंने जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के जो इक्वेशन थे, लोरेंज रूपांतरण के जो समीकरण थे, उनको x1, x2, x3 और x4 इनकी टर्म्स में हमने लिखे थे। और फिर मैंने बताया था लास्ट में कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। मतलब एक फ्रेम के अंदर एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है ना, इसके अंदर अगर कोई वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी है, और इसके अंदर कोई क्वांटिटी है, तो उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कि यहाँ पे एक बड़ा मैट्रिक्स आ रहा था जिसमें यहाँ आ रहा था गामा जीरो जीरो आयोटा बीटा गामा जीरो वन जीरो 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 वन जीरो, यहाँ पे आ रहा था माइनस आयोटा बीटा गामा जीरो जीरो गामा, यह आया था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनको चेंज करना तो ये आ जाएंगे, और उधर से चेंज करना है तो अगर कोई इसकी जगह कुछ और क्वांटिटी है तो वो आ जाएगी। आगे बात समझ में, ये हमने पढ़ा था, क्लियर है। अब ये तो हो गया था कोऑर्डिनेट्स के बारे में, किसके बारे में हुआ था, ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में हुआ था कि एक्स वाई जेड आई सी टी को कैसे एक्स डेस वाई डेस जेड डेस और टी डेस में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा। ये तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में हुआ था, निर्देशांक की चेंज किए थे हम, अब मैं वेग के बारे में बात करूंगा कि चतुर्भिम वेग क्या होता है। चतुर्भिम वेग, फोर वेक्टर स्पेस में जो वेलोसिटी होता है जिसको फोर वेलोसिटी बोलते हैं, फोर वेलोसिटी, फोर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो फोर वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, फोर वेलोसिटी। फिर फोर वेलोसिटी के बाद में फोर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, चतुर्भिम संवेग के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। तो फोर वेक्टर के बारे में बात करते हैं, फोर वेक्टर, फोर वेक्टर जिसको बोलते हैं चतुर्भिम वेग। मतलब ये है कि ये जो फोर डायमेंशनल सिस्टम हो गया ना, अब चतुर्भिम आकाश हो गया ना, फोर वेक्टर स्पेस, इसके अंदर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपना टॉपिक ये है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर वेक्टर स्पेस में, वो बताने से पहले मैं थोड़े टाइम के बारे में बात कर लेता हूँ, टाइम के कैसे क्या सिस्टम है। तो देखो टाइम का क्या सीन है, यहाँ पे एक चीज तो हम लोगों को लास्ट लेक्चर से ये समझ में आ गई थी कि एस स्क्वायर इक्वल टू एस डेस स्क्वायर, ये होता है, क्लियर है। या तो ये बोल लो या आप ये बोल लो कि मैं एस डेस को इधर लिखना चाहूँ, मैं एस डेस को इधर लिखना चाह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए लिखा है क्योंकि नोट्स के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ था कि आप पढ़ो तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एस डेस स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, ये होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ा है हमने कि जो फोर डायमेंशनल, सॉरी जो फोर वेक्टर स्पेस है उसके अंदर जो एस होता है उसका एक एस फ्रेम के अंदर है ये, और ये एस डेस फ्रेम के अंदर है, ये क्या है, दूरी का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये बात हो गई क्लियर।
अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अगर ये है तो फिर इसको मैं ऐसे बात करता हूँ, डी एस डेस स्क्वायर इक्वल टू डी एस स्क्वायर भी होगा, मतलब ये अल्पांश दूरी समझ लो, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस, अगर पूरा डिस्टेंस ही इक्वल है तो स्मॉल डिस्टेंस भी इक्वल होगा, बात समझ आती है? चलिए ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो एस जो होता है ना, एस एस स्क्वायर, एक सेकेंड, एस स्क्वायर जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स फोर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हमने। अगर ये ऐसे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे डी एस का स्क्वायर कर दूँ तो ये सब में इनमें भी सब में डी एक्स वन का स्क्वायर, डी एक्स टू का स्क्वायर, डी एक्स थ्री का स्क्वायर, डी एक्स फोर का स्क्वायर ऐसे आने लग जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसका भी वैल्यू ये आएगा और डी एस डेस का जो स्क्वायर है इसका भी ऐसे आएगा, डी एक्स वन डेस का स्क्वायर प्लस डी एक्स टू डेस का स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री डेस का स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर डेस का स्क्वायर, समझ में आ गया ना? वो वैसे ही है जैसे अपन ऐसे करते ना कि डी एस इक्वल्स टू ये होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, बचपन में ऐसे करते थे ना, थ्री डायमेंशन में तो ऐसे करते हैं, वो वैसा है, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ तक हो गया, ये दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। देखो इसके वैसे तो नोट्स दे रहा हूँ लेकिन अगर कोई साथ साथ में कॉपी करना चाहे कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में तो वो साथ साथ में पहुँच करके कर भी सकता है, ठीक है। इसके वैल्यू रखो डी एक्स वन डेज का स्क्वायर प्लस डी एक्स टू डेज का स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री डेज का स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर डेज का स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू रख दिया, इसका डी एक्स वन का स्क्वायर प्लस डी एक्स टू का स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर का स्क्वायर, क्लियर है? ये आ गया, इन सब के वैल्यूज पुट करो एक बार, क्या होता है, क्या वैल्यू होते हैं, वैल्यू तो यही होते हैं ना, एक्स वन तो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, एक्स टू क्या होता है वाई होता है, तो इसका मतलब होगा डी एक्स वन क्या हो गया डी एक्स हो गया, डी एक्स टू क्या हो गया डी वाई हो गया, एक्स थ्री क्या होता है जेड होता है, तो डी एक्स थ्री क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, ऐसे होता है। एक्स फोर क्या होता है आई सी टी होता है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर डी एक्स फोर आएगा तो डी डी मतलब स्मॉल आएगा तो यहाँ पे आई सी तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे डी लगेगा तो आई सी पे तो लगेगा नहीं टी पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आई सी डी टी। अरे मतलब डी क्या है, एक तरीके से डिफरेंशिएशन समझ लो आप, या डिफरेंस समझ लो, डिफरेंशिएशन है तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है इधर टी का होगा, बाकी तो कॉन्स्टेंट है ना। अरे ये ऐसा है एक्स फोर इक्वल टू आई सी टी, ठीक है, इस चीज़ को समझो, डी एक्स फोर है तो ये हो जाएगा आई सी को बाहर ले लिया ये डी टी हो गया, ठीक है। तो ऐसा आ गया, ये तो dx इनका हो गया, इनका जब इनका बनेगा तो इनमें क्या हो जाएगा डेस लग जाएगा। देखिए इधर क्या है dx1 जो है डेस इसका ये आएगा dx डैश, dx2 डैश है वो dy डैश, dx3 डैश है वो dz डैश, dx4 डैश है वो आएगा आई सी डी टी डैश, क्लियर है। इन सब के वैल्यू रख दो, इनके वैल्यू वहां पे रख दो, इनके वैल्यू यहां पे रख दो, ठीक है, सबके वैल्यू पुट करो। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, इन सब के वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा डी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस डी वाई डैश का स्क्वायर प्लस डी जेड डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आईटो का स्क्वायर तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस सी का सी स्क्वायर और डी टी डेस का स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो डी एक्स वन का ये है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर और फिर डी एक्स फोर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो आईटो का स्क्वायर तो माइनस वन सी का माइनस वन सी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप एक काम कीजिए, क्या काम करोगे, इसमें आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लोगे, इसमें आप कॉमन लीजिए माइनस
सी स्क्वायर डी टी डेस स्क्वायर, माइनस के साथ में ये कॉमन ले लेंगे, माइनस के साथ में ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, समझना, ये माइनस के साथ में कॉमन ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा, पहले सबसे पहले इसमें इसको डिवाइड कर दो, जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड होता है ना, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये लिखना चाहता हूँ, ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वन, और फिर इसको डिवाइड होगा ना, फिर ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, तीनों डिवाइड होंगे इससे, इससे डिवाइड होंगे तो माइनस के साथ में डिवाइड हो रहा है तो एक तो माइनस तो आएगा आएगा, तो डिवाइड हो रहा है इससे पूरे से, किससे, वन अपॉन सी स्क्वायर डी टी डेस का स्क्वायर, कौन डिवाइड हो रहा है, ये तीनों, मतलब ये डिवाइड होंगे डी एक्स डेस स्क्वायर प्लस डी वाई डेस स्क्वायर प्लस डी जेड डेस स्क्वायर, ये आ गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही प्लान करना अपने को, राइट साइड में देखो क्या करना, इधर तो देखो ये वाला कॉमन लिया था, इधर ये ले लो, ठीक है, इधर कॉमन लेंगे माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, उसमें डी टी डेस था तो इसमें सबसे पहले तो ये लिख दो, ये आ जाएगा वन, फिर माइनस, इन तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो ये तीनों डिवाइड होंगे सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर से, कौन डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, अरे विजिबिलिटी ठीक है ना, एक सेकेंड, करेक्ट है क्या, ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलिए, हाँ आगे देखिए, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे देखिए, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इधर बचा डी टी डेस का स्क्वायर, इसमें देखिए वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर तो रहने दीजिए, ये डी टी डेस है ना, ये सब में डिवाइड कर दिए डी टी डेस के स्क्वायर से, तो ये यहाँ पे आएगा, सब में आएगा तो ऐसे आएगा डी एक्स डेस स्क्वायर डी टी, ये आ गया, प्लस ये आ गया डी वाई डेस का स्क्वायर डी टी डेस का स्क्वायर प्लस डी जेड डेस का स्क्वायर डी टी डेस का स्क्वायर, इधर भी ऐसा ही आएगा, डी टी स्क्वायर तो बाहर आ गया, वन माइनस वन अपॉइंट सी स्क्वायर को बाहर आने दो, एक बार डी टी को अंदर ले जाओ, ये सॉरी यहाँ पे डी एक्स था, डी एक्स डी वाई और डी जेड था, तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ऐसा आ गया। अभी देखिए क्या होगा, डी टी डेस का स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या है, ये डी एक्स बाई डी टी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी एक्स डेस बाई डी टी डेस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई डेस बाई डी टी डेस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड डेस बाई डी टी डेस का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉइंट सी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, एक सेकेंड, का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, सॉरी, और डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, देखो लेंथी हो रहा है ये, लेकिन ऐसा ही होगा ये, इसमें आगे देखिए ये डी टी डेज का होल स्क्वायर बाहर तो वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या हो गया है, ये वेलोसिटी का घटक नहीं है क्या, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है ये, वेग का एक्स घटक, जिसको मैं यू एक्स बोल सकता हूँ, लेकिन डेस है तो यू एक्स डेस हो जाएगा, यू एक्स डेस का स्क्वायर है ये यू वाई डेस का स्क्वायर है,
ये यू जेड डेज का स्क्वायर है, इधर डी टी स्क्वायर 1 - 1/c2, इसमें देखिए ये यू एक्स का स्क्वायर, ये यू वाई का स्क्वायर, ये यू जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं हुआ क्या? ऐसे होता ना, अरे कोई भी वेलोसिटी है, जैसे मान लो वेलोसिटी है u, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर प्लस z घटक का स्क्वायर, ऐसे होगा। यहाँ पे अगर डैश है, डैश है और डैश है, तो इधर भी डैश आ जाएगा, ऐसे होता। तो देखिए ये जो भी है ऐसा आ जाएगा, डी टी डैश का स्क्वायर 1 - 1/c2, ये आ जाएगा यू स्क्वायर, ये है क्या, यू स्क्वायर है ये, और ये है डी टी स्क्वायर, ये है 1 - 1/c2, सॉरी ये यू स्क्वायर नहीं है, यू डैश का स्क्वायर है, यू डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये डैश में है ना वेलोसिटी, इसको सही से लिखते हैं, यू डैश का स्क्वायर है ये। और ये देखो ये नॉर्मल यू का स्क्वायर है, तो नॉर्मल यू का स्क्वायर ये आ गया, क्लियर। अभी देखो इस चीज को समझना है, यहाँ पे दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये आ गया डी टी डैश रूट ऑफ 1 - u² / c², और इधर है डी टी रूट ऑफ 1 - u² / c². ये चीज आ गई कि नहीं आ गई? अरे इधर देखो स्क्वायर हट गया, इधर भी स्क्वायर हट गया, इधर रूट लग गया दोनों तरफ, तो ये मिला। इसका मतलब है कि ये एस फ्रेम में है और ये एस डैश फ्रेम में है, मतलब ये जो भी क्वांटिटी ये एस फ्रेम में, ये जो भी क्वांटिटी एस डैश फ्रेम में, मतलब ये क्वांटिटी एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में दोनों में बराबर बराबर होगी। इसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम, उपयुक्त समयांतर, क्या बोलते हैं, उपयुक्त समयांतर, एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, उपयुक्त समयांतर, ये इसको लिख दूं मैं टाउ लिख दूं, सॉरी इसको मैं टाउ लिख रहा हूं और ये डैश में है तो टाउ डैश हो गया, ये क्या है, उपयुक्त समयांतर है, उपयुक्त समयांतराल या समयांतर, प्रॉपर टाइम इंटरवल या प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम, ठीक है, डी टाउ लिख दो डी, क्लियर है, चीज समझ आई? ये है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर वेक्टर स्पेस के अंदर ये जो प्रॉपर टाइम है, इसमें या फिर इसमें, दोनों में प्रॉपर टाइम क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा, मतलब किसी भी फ्रेम में आप देखोगे तो प्रॉपर टाइम का जो वैल्यू रहेगा, उपयुक्त समयांतराल का जो वैल्यू रहेगा, वो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, ये किसके अंदर, फोर वेक्टर स्पेस में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स किया हम लोग, करने क्या वाले हैं अभी, फोर वेक्टर वेलोसिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, या फोर वेक्टर स्पेस के अंदर वेलोसिटी के बारे में बात करने वाला, जिसको फोर वेलोसिटी बोलते हैं, चतुर्भिम वेग, लेकिन अभी चतुर्भिम वेग के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो अभी जो हमने पढ़ा उसकी हेल्प से निकलेगा, इसलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हमने पहले क्या किया, हमने लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि एस और एस डैश का स्क्वायर जो है वो बराबर बराबर होता है फोर वेक्टर स्पेस में, फोर वेक्टर स्पेस में ये बराबर होता है तो डी एस डैश और डी एस का स्क्वायर भी बराबर होगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस बराबर होगा तो थोड़ा सा भी डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है ना, अल्पांश के लिए भी ये चीज़ लागू होती है, स्मॉल इनफाइनाइट डेसिमल डिस्टेंस के लिए। अब फिर हमने इसको फोर वेक्टर स्पेस में लिखा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर में, इस तरीके से लिख दिया, दोनों के वैल्यू लिख दिए, दोनों के वैल्यू लिख के हमने x1, x2, x3, x4 किसको माना था, तो x, y, z और t के टर्म्स में लिख दिए। फिर लिख के हम लोगों ने जस्ट कॉमन लिया, कॉमन लेके ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन गया, ये वाला जो था वो वेलोसिटी के टर्म में आ गया, ये भी वेलोसिटी के टर्म में आ गया, और फाइनली ये इस टाइप का कुछ टाइम के टर्म में कुछ मिला अपने को, और ये जो टाइम के टर्म में मिला इसको हमने बोला उपयुक्त समयांतराल, प्रॉपर टाइम इंटरवल या प्रॉपर टाइम, और ये प्रॉपर टाइम जो है एस और एस डैश दोनों फ्रेम में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है।
ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर अप्लाई होती है। एक बार मैं टाइम देख लूँ फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ जी, अभी 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के अंदर ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये हो तो नहीं पाएगी, लेकिन जितनी भी होती है अब उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये प्रॉपर टाइम इंटरवल मिल गया अपने को, ठीक है। अब फोर वेक्टर स्पेस के अंदर चतुर्विम आकाश में वेग को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? नॉर्मली तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा था यू यू डेस ऐसे लिख दिया, और यू का वैल्यू मतलब वो है ये वाला यू स्क्वायर का, और यू डेस के स्क्वायर का ये वैल्यू ये है। लेकिन फोर वेक्टर स्पेस में कैसे लिखते हैं इसको, देखिए ऐसे लिखते हैं, फोर वेलोसिटी चतुर्विम वेग, चतुर्विम वेग को लिखेंगे हम लोग कैपिटल यू से ऐसे, ठीक है। अब फोर वेक्टर स्पेस में है तो इसके चार घटक होंगे, चार कंपोनेंट होंगे, ठीक है, चार कंपोनेंट होंगे ना, तो इसके चार कंपोनेंट होंगे हो जाएंगे, जो भी चार कंपोनेंट आएंगे इसके चार कंपोनेंट आ जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए इसका पहला कंपोनेंट क्या होगा, फोर वेक्टर स्पेस में इसका पहला कंपोनेंट क्या होगा, यू वन, ठीक है। इसका जो पहला कंपोनेंट होगा यू वन, इसके यू वन यू टू यू थ्री और यू फोर, चार कंपोनेंट हो जाएंगे फोर वेक्टर स्पेस में। तो पहला कंपोनेंट होगा वो ऐसे आएगा डी एक्स अपॉन डी टाउ, कुछ समझे नहीं समझे क्या है, देखो इस चीज को समझना। अभी ये पूरा लिखा नहीं मैंने, नॉर्मली वेलोसिटी निकालते हैं जैसे यू वन, ये वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, अगर वन है तो वन आ जाता है, टू होता है तो टू आ जाता है, थ्री होता है तो थ्री आ जाता है, क्लियर, ऐसे होता है। अगर यू वन डैश होता तो हम कैसे लिखते हैं डी एक्स वन डैश अपॉन डी टी डैश, सिंपल सी बात है, इधर भी डैश आता तो इधर भी डैश आता, इधर टू आता है तो इधर टू आ जाएगा, इधर थ्री आता है तो थ्री, मतलब थर्ड कंपोनेंट निकालो तो थर्ड आ जाएगा, इधर भी वन आता है तो वन आता, टू आता है टू आता है। ये तो नॉर्मल वेलोसिटीज है, नॉर्मल वेलोसिटी जो है ना थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी, उसके घटक है ये, तो उसके कंपोनेंट है यू वन यू टू यू थ्री, जिनको यू एक्स यू वाई यू जेड भी बोल सकते हैं हम लोग वो तो। लेकिन यहां पर फोर वेक्टर स्पेस है, फोर वेक्टर स्पेस में टाइम जो है प्रॉपर टाइम इंटरवल आएगा। नॉर्मली अपने पास टाइम जो होता है ये एस फ्रेम का टाइम है, ये एस डैश फ्रेम का टाइम होता है, लेकिन अभी जो टाइम आएगा फोर वेक्टर स्पेस के अंदर वो प्रॉपर टाइम इंटरवल आएगा। यहां पे कौन आएगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल, तो यू वन आएगा तो डी एक्स वन अपॉन डी टाउ, राइट। इसी तरीके से यू टू आएगा वो आएगा डी एक्स टू अपॉन डी टाउ, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए इसको आगे लिखते हैं फिर बाकी के भी लिखेंगे, पहले इसको लिखिए डी एक्स वन अपॉन डी टाउ, तो ये हो गया डी टाउ, क्या होता है डी टाउ, क्या होता है डी टाउ, ये होता है ये डी टी अपॉन रूट वन माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, ये क्या है डी एक्स वन बाई डी टी, क्या होता है यू वन है ना, मतलब जो नॉर्मली थ्री डायमेंशनल वेलोसिटीज में जो यू वन होता है वो यू वन है, ये पहला घटक ये यू वन, ये आ गया ऐसे यू वन, और ये क्या है हम वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, गामा लिखते हैं ना, बताया था मैंने शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पर v की जगह u है, क्या है u है, जनरली जब v होता है तो हम लोग उसको गामा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर v की जगह क्या है u है, वेलोसिटी अलग है, u वेलोसिटी है, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए यहाँ पे u लिख देते हैं साथ में, ताकि हमको ध्यान रहे कि जब गामा लिखना है तो यहाँ पे v नहीं लिख के क्या लिखना है u लिखना है, क्लियर है। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे जाके मिलके ही बनेगा ये,
तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिल गया। इसी तरीके से यह आएगा डी एक्स टू डी टी, डी टो का वैल्यू ये रहा डी टी रूट वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये तो बना यू टू और ये वन अपॉन ये गामा यू, ठीक है। इसी तरीके से यू थ्री क्या बना डी एक्स थ्री अपॉन डी टाउ, ये बन गया डी एक्स थ्री अपॉन डी टी रूट वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसे हुआ। ये क्या बन गया यू थ्री और ये हो गया गामा यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ समझ में आई ना, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस पैटर्न ध्यान रखना कि क्या क्या बना रहे हैं, किस चीज़ को क्या बना रहे हैं, हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यू फोर डी एक्स फोर अपॉन डी टी डी टाउ डी एक्स फोर, एक्स फोर क्या होता है, एक्स फोर किसको माना था हमने आई सी टी को, आयोटा सी और टी को, तो डी एक्स फोर है इसका मतलब ये है आयोटा सी डी टी है, बताया भी था मैंने पहले भी जब ऊपर करवाया था, डी आ गया तो इधर भी डी आएगा लेकिन टी के साथ में आएगा तो कॉन्स्टेंट आई सी डी टी, ऊपर आई सी डी टी आई सी डी टी और नीचे है डी टाओ का वैल्यू ये डी टी रूट वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा आई सी और ये वन अपॉन रूट ये आएगा तो इसको गामा यू लिख सकते हैं हम लोग गामा यू, क्लियर है। तो ये फोर वेलोसिटी के चार कंपोनेंट आ गए, चार घटक आ गए फोर वेक्टर स्पेस में। तो फोर वेक्टर स्पेस में जो वेलोसिटी है, फोर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं चतुर्विम वेग, चतुर्विम आकाश में चतुर्विम वेग जो होगा उसके घटक ये होंगे। दीज आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेलोसिटी इन फोर वेक्टर स्पेस, समझ में आ गया इस तरीके से। ये यू वन यू टू और यू थ्री क्या, यू एक्स यू वाई और यू जेड, समझ में आता है ना, यू एक्स यू आई यू जेड है ये चीज, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी है, ये फोर डायमेंशनल वेलोसिटी है, ये थ्री डायमेंशनल है यू वन यू टू यू थ्री, ये वैसे एक्स घटक है ये वाई घटक है ये वाला यू टू, मतलब आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यू वन क्या है एक्स घटक है ना यू एक्स गामा यू, ये वाई कंपोनेंट है तो यू वाई गामा यू, और ये क्या है जेड कंपोनेंट है तो U Z गामा U और ये I C गामा U, क्लियर है। ये आ गया U1, U2, U3 और U4। इसी तरीके से अगर यहां पर डैश आता तो वहां पे भी क्या आएगा डैश आ जाएगा, इस पर भी डैश आ जाएगा, इस पर भी डैश आ जाएगा, क्लियर है। टाइम कितना बचा है, दो मिनट बचे हैं, देखिए मैं बता देता हूं फटाफट। यहां पर डैश, अगर मैं यहां पर डैश लिखता हूं U1 पे डैश आएगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा डैश डैश, समझ रहे हो ना। तो मैं एक बार ये डायरेक्ट यहां पे बता देता हूं, जिस तरीके से ऐसे किया है उसी तरीके से यहां पे क्या आएगा, जैसे U1 डैश में कैलकुलेट करना है तो वहां से आ जाएगा U1 और गामा U, इन दोनों पे डैश आ जाएगा। U2 डैश में करना है तो U2 मतलब S डैश फ्रेम में कैलकुलेट करना हो तो U3 डैश इक्वल्स टू U3 डैश गामा U डैश, U4 डैश आई सी गामा U डैश, ये डैश वाले फ्रेम में आ गया, क्लियर है, ये नॉर्मल फ्रेम में आ गए। तो फोर वेक्टर स्पेस जो होता है ना चतुर्विम आकाश, मतलब चार घटकों वाला जो आकाश है, चार कंपोनेंट जिसमें लेते हैं हम लोग, वो जो स्पेस है उसके अंदर वेलोसिटी को कैपिटल U से लिखते हैं और कैपिटल U को जो जब हम लोग स्मॉल U1 की टर्म में इस तरीके से लिखते हैं इनको, और गामा U का मतलब समझ में आता है ना, वन अपॉन रूट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लोग फोर वेक्टर स्पेस में वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको इनमें ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करते हैं, कि वेलोसिटी के चार घटक है, इधर भी वेलोसिटी के चार कंपोनेंट है, एक एस फ्रेम में एक एस डैश फ्रेम में, इनको आपस में रूपांतरित करना है, मतलब इसमें पता हो तो इसमें कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए वो मैट्रिक्स वाला मेथड यूज करेंगे। ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें, ओके ठीक है।